सो हे गाइस, दिस इज जतिन एंड यू आर वॉचिंग बॉली व्यूज। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बॉलीवुड मूवी राम सेतु के लाइफटाइम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सो मूवी राम सेतु जो कि रिलीज हुई थी 25th of October 2022 25 अक्टूबर 2022 को, इस मूवी को ट्यूजडे के दिन रिलीज किया गया था। आपको बता दें कि जब इस मूवी को रिलीज किया गया था तो उस दिन दिवाली का त्योहार था, यानी कि इन इस मूवी को दिवाली के मौके पर रिलीज किया गया था। रेटिंग की बात करें तो क्रिटिक्स द्वारा इस मूवी को 5 में से 2.5 स्टार्स, 2.5 स्टार्स की रेटिंग दी गई थी। स्क्रीन काउंट्स की बात करें तो मूवी को इंडिया में टोटल 3100 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था, 3100 स्क्रीन्स इंडिया में और इंडिया से बाहर ओवरसीज मार्केट में 400 स्क्रीन्स यानी कि 400, यानी कि फिल्म को वर्ल्ड वाइड टोटल 3500 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था, 3500 स्क्रीन्स। मूवी राम सेतु एक एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी है जिसको अभिषेक शर्मा ने डायरेक्ट किया था। इसके राइटर्स की बात करें तो इसकी स्टोरी, डायलॉग्स एंड स्क्रीन प्ले किया था अभिषेक शर्मा ने। उनके अलावा चंद्र प्रकाश द्विवेदी, उन्होंने भी मूवी के डायलॉग्स लिखे थे। प्रोड्यूसर्स की बात की जाए तो इस मूवी को अक्षय कुमार, विक्रम मल्होत्रा, महावीर जैन, आशीष सिंह एंड साथ ही सुभाष करण, इन सब ने मिलकर इस मूवी को प्रोड्यूस किया था। वही बात करते हैं इस मूवी के प्रोडक्शन बैनर्स की, तो इस मूवी को केप ऑफ गुड फिल्म्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो, महावीर जैन फिल्म्स, अबुन दंतिया एंटरटेनमेंट, लाइका प्रोडक्शंस एंड जी स्टूडियोस, इन सभी बैनर तले इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया था। चलिए अब बात करते हैं कास्ट यानी कि कलाकारों की। तो मूवी राम सेतु के अंदर अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस, नुसरत भारूचा, नसर, अंगद राज, सत्यदेव कांच राणा, दर्शन पांड्या, प्रवेश राणा, श्वेता क्वात्रा, शुभम जयकर, वरुण पांडे एंड साथ ही भावना राय, ये सारे इस मूवी के अंदर नजर आए थे। मूवी राम सेतु बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म थैंक गॉड मूवी के साथ क्लैश हुई थी। आपको बता दें कि ये अक्षय कुमार एंड अजय देवगन का एक साथ पहली बार क्लैश नहीं है, बल्कि साल 2010 में भी इन दोनों का एक बार क्लैश हुआ था। उस टाइम भी दिवाली के मौके पर ही इन दोनों का साथ में क्लैश हुआ था। तब रिलीज हुई थी अजय देवगन की गोलमाल 3 और अक्षय कुमार की एक्शन रिप्ले। अगर आप लोग गोलमाल 3 या फिर एक्शन रिप्ले का कलेक्शन जानना चाहते हैं तो उनकी वीडियोस आप लोगों को ऑलरेडी मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो द्वारा भी प्रोड्यूस किया गया था। आपको बता दें कि मूवी राम सेतु पहली ऐसी इंडियन मूवी है जिसको ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो द्वारा प्रोड्यूस किया गया था। अगर आप लोगों ने अभी तक राम सेतु मूवी को नहीं देखा है तो आप इसको ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर 23rd of December 2022 को रिलीज कर दिया गया था। क्या आप लोग जानते हैं कि राम सेतु मूवी की शूटिंग के दौरान अक्षय कुमार कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया था, यानी कि उन्हें हॉस्पिटल में क्वारंटीन किया गया था। चलिए बात करते हैं मूवी राम सेतु के लाइफटाइम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, बजट और वर्डिट के बारे में। तो शुरुआत करते हैं कलेक्शन से। तो मूवी ने अपने डे वन पर इंडिया में जो ओपनिंग नेट कलेक्शन किया था वो था 15 करोड़ 25 लाख रुपए का, 15 करोड़ 25 लाख का डे वन का ओपनिंग नेट कलेक्शन था। फर्स्ट वीकेंड की बात करें तो मूवी का जो फर्स्ट वीकेंड था वो था 6 दिनों का, क्योंकि मूवी को ट्यूसडे के दिन रिलीज किया गया था। तो मूवी ने अपने फर्स्ट वीकेंड पर इंडिया में जो टोटल नेट कलेक्शन किया था वो था 56 करोड़ रुपए का, 56 करोड़ रुपीस का। मूवी के फर्स्ट वीक की बात करें यानी कि इस मूवी को जो पहला हफ्ता दिया गया था वो 10 दिनों का दिया गया था। तो मूवी ने अपने पहले 10 दिनों में यानी कि फर्स्ट वीक में इंडिया में जो नेट कलेक्शन किया था वो था 66 करोड़ 30 लाख रुपए का, 66 करोड़ 30 लाख रुपीस का। इस मूवी का इंडिया का जो लाइफ टाइम नेट कलेक्शन था वो हुआ था 74 करोड़ 70 लाख रुपीस का, 74 करोड़ 70 लाख रुपए का। इस मूवी का इंडिया का जो लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन था, ग्रॉस यानी कि जिसमें टैक्स जीएसटी इंक्लूड हो जाता है, वो था 88 करोड़ 90 लाख रुपए का, 88 करोड़ 90 लाख रुपीस का। रही बात इंडिया से बाहर ओवरसीज मार्केट की, तो ओवरसीज मार्केट में राम सेतु मूवी ने 7 करोड़ 38 लाख रुपीस का कलेक्शन किया था, 7 करोड़ 38 लाख रुपए का। रही बात वर्ल्ड
वाइड टोटल कलेक्शन की यानी कि सब कुछ इंक्लूड करके तो इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 96 करोड़ 28 लाख रुपीज का टोटल कलेक्शन किया था। आ जाते हैं बजट पर, तो आपको बता दें कि मूवी राम सेतु 150 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई थी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का बजट था 150 करोड़ रुपीस का। अब उस हिसाब से अगर हम वर्डिट की बात करें यानी कि हिट और फ्लॉप की, तो मूवी राम सेतु बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी की ऑफिशियल वर्डिट है फ्लॉप की। और इसी कलेक्शन के साथ ये मूवी साल 2022 की हिंदी मूवीज की लिस्ट में 10th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म साबित हुई थी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो अब आप लोगों से मुलाकात होती है अगली वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।